सो दोस्तों, व्हाट्सएप पर मिली हुई ये खूबसूरत कविता हमारे सभी सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड है। एक बड़ा पावरफुल रिमाइंडर है कि जिसे हम बुढ़ापा कहते हैं, वो शायद लाइफ के सबसे गोल्डन ईयर्स हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना बचपन का होमवर्क, ना जवानी का संघर्ष, ना 40 की परेशानियां, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना स्कूल की जल्दी, ना ऑफिस की किटकिट, ना बस की लाइन, ना ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योगा, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ राजनीति पर चर्चा आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना मम्मी डैडी की डांट, ना ऑफिस में बॉस की फटकार, पोते पोतियों के खेल, बेटे बहू का प्यार। इज्जत से झुकते सर, सबके लिए आशीर्वाद और दुआओं की भरमार है। जीने की असली उम्र तो साठ है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। ना स्कूल का डिसिप्लिन, ना ऑफिस में बोलने की पाबंदी, ना घर पर बुजुर्गों की रोक टोक, तो खुद बुजुर्ग हो गए। खुली हवा में हंसी के ठहाके, बेफिक्र बातें, किसी को कुछ भी कहने के लिए आजाद हैं। जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाट है। सभी सीनियर सिटीजन्स को डेडिकेटेड। आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें। हमारे समाज में सीनियर सिटीजन्स की बड़ी अहम कंट्रीब्यूशन है, हम यंगस्टर्स को गाइड करने के लिए, प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।